अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के आतंकियों ने भारतीय कोऑर्डिनेटर जोहेब को अगवा कर लिया है। वो काबुल में फंसे लोगों को निकालने के लिए वहां गए थे। आतंकियों ने उनका फोन छीन लिया। इसके अलावा 150 भारतीय भी लापता हैं, उनकी कोई खबर नहीं है। एक चश्मदीद ने बताया कि तालिबान के आतंकी भारतीय कोऑर्डिनेटर के पास आए, उन्होंने उनसे उनकी पहचान पूछी, फिर उनको थप्पड़ मारने लगे। इसके बाद आतंकियों ने उनका मोबाइल ले लिया, तभी से भारतीय कोऑर्डिनेटर का फोन स्विच ऑफ है। गौरतलब है कि लापता हुए 150 भारतीयों का भी कोई पता नहीं है। तालिबान के आतंकी उन्हें कहां ले जा रहे हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनका फोन बंद जा रहा है। जान ले कि भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर बीती रात से काबुल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर तैनात है, लेकिन भारी भीड़ की वजह से भारतीय एयरपोर्ट में एंट्री नहीं ले पाए हैं। बता दें कि तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को दे दी है। हक्कानी नेटवर्क के आतंकी काबुल की सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक तैनात हैं। इस बीच हक्कानी नेटवर्क का मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी भी काबुल में देखा गया। उसके ऊपर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी 37 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम रखा हुआ है। खलील ने मस्जिद में तकरीर भी की। उसने कहा कि अफगानिस्तान की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है।